हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं दोस्तों, तो चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है वन ऑफ द बेस्ट गाइड बुक, जो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो यूपी लेखपाल है नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। राजस्व लेखपाल की ये गाइड बुक है, ये कवर पेज में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको देखने को मिल जाएगा और 2 सॉल्व पेपर भी मिलेगा आपको इस बुक में अंदर। आपको जो नवीन सिलेबस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को बिल्कुल तैयार। उसके बाद में इस बुक का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विषय सूची, यहाँ पर आपको सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट में दिए गए हैं। सारे चैप्टर, चाहे वो गणित हो, चाहे वो ग्राम समाज में विकास हो, सामान्य ज्ञान हो, सारे चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। मैथ के भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सही से समझाई गई है और ये आपको प्रीवियस पेपर देखने को मिल जाएगा। ये पूरी कंप्लीट गाइड बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। गाइड बुक के साथ साथ यहाँ पर आपको राजस्व लेखपाल का, यहाँ पर आपको ग्राम समाज एवं विकास और प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएगा। ये सारी बुक्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा और ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो UPSI दरोगा भर्ती परीक्षा का पहला शिफ्ट आज संपन्न हो चुका है, परीक्षा हो चुकी है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी अभी सुबह वाले शिफ्ट में, वो यहां पर बताने वाले हैं। तो एक बार जरूर देख लो, अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आज से जितने भी परीक्षाएं, जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं, सभी शिफ्ट के एनालिसिस जरूर आप देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, और जितने भी छात्र अभी अभी थोड़ी देर पहले परीक्षा देकर बाहर निकले हैं, वो लोग क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको यहां पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो दोस्तों, छात्रों के द्वारा जितने भी क्वेश्चन भेजे गए हैं उन क्वेश्चन को हल करके यहां पर आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, और बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन याद हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उनका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहां पर देख सकते हैं, ये अभी अभी सुबह का शिफ्ट है, उस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहां पर हैं। जो क्वेश्चन और आपको याद आ रहे हो, इसमें ना इंक्लूड किया हो, तो उसको कमेंट में जरूर बताना। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था, WHO का मुख्यालय कहां स्थित है। भाई बहुत हलवा क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कहां है भाई? जनेवा में। जनेवा कहां है भाई? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है। बहुत ही इजी प्रश्न था भाई, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है भाई? बेंगलुरु में स्थित है। आई होप आपने सही उत्तर किया होगा। जिनका जो क्वेश्चन गलत गया हो कमेंट में जरूर बताना कि सर मैंने इसका ये आंसर करके आया हूं, ताकि हमें भी पता चले कितने बच्चों ने सही उत्तर दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 3 था, 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया भाई? तो यह दिया गया है WFP को। किसको भाई? WFP को दिया गया है, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है शांति पुरस्कार 2020 का, शांति नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलो भाई, अगला देखो, सब लोग प्लीज लाइक जरूर करना। और अगला शिफ्ट जो होने वाला है परीक्षा 11 बजे से, अगला शिफ्ट जो होने वाला है 12:30 से, उसका भी एनालिसिस आएगा। उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट होगा उसका भी आएगा। आज से सारे शिफ्ट के आपको डेली आपको एनालिसिस मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करना। इसका PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर इस क्लास के बारे में सेंड कर दूंगा। सबसे पहले फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला है देखो भाई, आर्टिकल 21 पूछा गया था। अब ये बच्चे ने जो बताया है उस तरीके से क्वेश्चन शायद नहीं बना पाया, या तो पूछा गया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, और या फिर डायरेक्ट अनुच्छेद दे दिया गया होगा कि आर्टिकल 21 से किससे संबंधित है। तो भाई जिस तरीके से क्वेश्चन रहा हो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना, क्या प्रश्न यह पूछा गया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या फिर सीधा अनुच्छेद पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो खैर, इसका उत्तर अनुच्छेद 21 सही है। आप लोग कमेंट में बताना कि किस तरीके से यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान, चार वर्तनी, चार शब्द दे दिए गए थे, अंतर्ध्यान का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। तो भाई ये अंतर्ध्यान जो लिखा है बिल्कुल सही और शुद्ध था, बिल्कुल बिल्कुल सही था। आप लोग कमेंट में बताना, बिल्कुल आपने सही किया होगा। अगला देखो भाई, अगला पूछा गया था परमानंद कटारा केस पूछा गया था, इससे संबंधित अभी सॉल्व नहीं कर पाए, अभी ढूंढ नहीं पाए। आप लोग बताना कमेंट में, टाइम नहीं था इतना, आप लोग बताना। मैं ओवरव्यू आपको भी दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बच्चन केस पूछा गया था, केशवानंद भारती पूछा गया था। अगला देखिए,
आजीवन में समास पूछा गया था भाई, आजीवन में समास पूछा गया था भाई, जिसमें आ है वो अवयवी भाव समास हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, अवयवी भाव समास लगा के आए हैं ना आप लोग, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई गलती हो जाए भाई, मिस्टेक, तो आप लोग कमेंट में जरूर उसको बता देना, उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि दूसरे छात्रों की गलती ना हो। अगला देखिए, अगला क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था, आकाश का अनेकार्थी शब्द पूछा गया था। देखो भाई, पर्यायवाची अनेकार्थी एक ही चीज होती है, लेकिन समान अर्थ दे, समानार्थी भी एक ही चीज कह सकते हैं जो समान अर्थ देता हो, ठीक है, समान अर्थ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गगन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा और व्योम हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आकाश का अनेकार्थी पूछा गया था उसमें चार ऑप्शन में से कौन सा इनमें से ऑप्शन में था, ठीक है। गगन होता है, अंबर होता है, अंतरिक्ष होता है, व्योम होता है, और भी कई सारे होते हैं, आप लोग बताना कौन सा ऑप्शन में था, इन्हीं में से कोई रहा होगा बिल्कुल सही होगा। अगला देखो भाई, 11 नंबर, कमेंट जरूर किया करना भाई आप लोग, जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ कि कमेंट में करना आप लोग, वो कमेंट जरूर करना दोस्तों आप लोग। अगला देखिए, 11 नंबर था अनुच्छेद 22। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से पूछा गया था, सीधा आर्टिकल दिया गया था या फिर सीधा आर्टिकल किससे संबंधित ये पूछ लिया गया था। तो यहां पर देख सकते हैं अनुच्छेद 22 जो पूछा गया था वो किससे संबंधित है, यहां पर पूछा गया है, बच्चे ने बताया है, आप बताएगा किस तरीके पूछा गया है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार, किसके, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 22। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 था, मधुबाला किसकी रचना है, मधुबाला किसकी रचना है भाई, हरिवंश राय बच्चन, किसकी भाई, हरिवंश राय बच्चन। अगला था निशा निमंत्रण, ये भी हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है, ठीक है, निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन का ही है, बिल्कुल बहुत इजी था, ये सारे मिक्स क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं। अगला देखो भाई, अगला क्या था, 14 नंबर था, जेंडर पार्क, बहुत इजी प्रश्न, जेंडर पार्क कहाँ खोला गया भाई, जेंडर पार्क केरल में स्थित है, जेंडर पार्क केरल में स्थित है, केरल में बनाया गया है जेंडर पार्क। अगला देखो भाई, अगला था 15 नंबर, हाइड्रोजन पार्क, हाइड्रोजन पार्क भाई लद्दाख में स्थित है, कहाँ है भाई, लद्दाख में, गलत जो गया हो आप कॉमेंट में जरूर बताना ईमानदारी से। अगला देखो भाई, अगला क्या था, 16 नंबर था, IMF जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछा गया था, कहां है भाई, वॉशिंगटन में है, कहां है भाई, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अगला था भाई ओलंपिक, ओलंपिक से एक प्रश्न आया था, ओलंपिक लॉरेन प्राइज किसको दिया गया भाई, मोहम्मद यूसुफ को, किसको दिया गया भाई, मोहम्मद यूसुफ को दिया गया है ओलंपिक लॉरेन प्राइज। तो दोस्तों ये था आपका UPSI का जो क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग कमेंट करके बताना, इतने ही क्वेश्चन अभी तक मिल पाए हैं छात्रों के द्वारा, आप लोग प्लीज 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 आप लोग कमेंट में बताएं, टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां जाकर आप लोग बताएं अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो, प्लीज जो भी क्वेश्चन याद हो और इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो जो इसमें ना लिखा हो मैंने, तो आप कमेंट में जरूर पूछे, मैं उसका उत्तर आप सबको दूंगा या फिर पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा जैसे ही 10-15 क्वेश्चन और आ जाएंगे। अगले शिफ्ट का भी पेपर आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर करना दोस्तों। देखिए इसका PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहां पर आपको मिल जाएगा, पूरा पेपर मिल जाएगा शाम तक हर शिफ्ट का, ये तो थोड़ा है ना, शाम तक सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी क्वेश्चन टोटल आए थे टोटल क्वेश्चन का आंसर की आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करना, डेली आपको एनालिसिस मिलने वाला है, अगर आपको आगे एग्जाम है तो ये एनालिसिस बहुत काम आने वाला है, आप लोग इनको जरूर देखें, इनका उत्तर देखें, इनको याद करें, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिपीट होने वाले हैं अभी शिफ्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट में, थैंक यू सो मच।